नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सिंगिंग डैडी पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही बड़े फ्रॉड के बारे में, जो कि लेटेस्ट अभी कुछ पिछले दिनों में बहुत ही ज्यादा है अपने इंडिया के अंदर, मैक्सिमम स्टेट्स में बहुत ज्यादा ये फ्रॉड हो रहा है। तो मैं ऑलरेडी जिस ऐप के साथ ये फ्रॉड होता है उस पर पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बट इस फ्रॉड के रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरी पिछली पुरानी वीडियोस पे, इसलिए मैं इसको कवर करने वाला हूँ। तो ये फ्रॉड हो रहा है दोस्तों हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर। तो हमारे पास सबसे पहले मैसेज आएगा, वो क्या मैसेज है मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। मेरे पास मेरे YouTube पे कुछ बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे मेरी पुरानी वीडियोस पे, तो उन्होंने मुझे जो मैसेज फॉरवर्ड किए मैं आपको दो मैसेज बता रहा हूँ। तो वो मैसेज आपके पास कुछ इस तरह से आएगा, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। तो पहले लिखा हुआ है नोटिफिकेशन, फिर नीचे लिखा हुआ है डियर कंज्यूमर, योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिसकनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वॉज नॉट अपडेटेड, प्लीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विद आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर नंबर, और आगे एक नंबर दिया हुआ है जो नंबर है 9363218021, थैंक यू। तो अगर आप समझदार हैं तो आप पहले ही इनकी जो इंग्लिश इन्होंने लिखी हुई है इसको देख के समझ आए कि ये एक फ्रॉड मैसेज है, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ है कि योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड फुल स्टॉप टू नाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, फिर फुल स्टॉप, फिर स्मॉल बी से शुरू है बिकॉज योर प्रीवियस मंथ बिल वॉज नॉट अपडेटेड। तो इसको एक साइड पे रखते हैं और दूसरा मैसेज आपको बताता हूँ मैं। जो दूसरा मैसेज है वो आया हुआ है, डियर कस्टमर योर इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बी डिस्कनेक्टेड टुनाइट एट 9:30 PM फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस बिकॉज योर प्रीवियस मंथ वॉज नॉट अपडेट, मंथ बिल वॉज नॉट अपडेट, प्लीज इमीडिएटली कॉन्टेक्ट विद आवर इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। और इसमें नंबर चेंज है वो मैं आपको नंबर अगर बता दूं, ये है 7810848680, थैंक यू। तो ये मैसेज आया हुआ है जिस नंबर से, वो भी मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये नंबर आप अपने ब्लॉक लिस्ट में पहले से ही डालकर रख दें, 9163782052। तो ये तीन नंबर जो आपको मैंने बताए इनको तो आप सबसे पहले आप अपने फोन में जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर दें और इनको स्पैम रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। तो क्या होता है दोस्तों कि जब आपके पास ऐसा मैसेज आता है तो सबसे पहले हम लोग डर जाते हैं कि यार ऐसा कैसे हो गया, हमारी बिजली रात को कट जाएगी। और सबसे पहला ख्याल ये है कि 9:30 PM लिखा है कि रात को, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि यार रात को बिजली कटेगी तो हम किसके पास जाएंगे और कैसे रिपेयर करवाएंगे, कैसे वापस ऑन होगी, रात भर अंधेरे में रहना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं कि इनको कॉल कर देते हैं। तो जैसे ही आप अगर इनके इस नंबर पे कॉल करोगे जो इन्होंने अपने इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर का नंबर दिया हुआ है, तो ये आपको कहेगा कि हाँ भाई आपका बिल अपडेट नहीं था। जो मैंने पर्सनली भी कॉल करके देखा था तो इन्होंने ही कहा कि सर, तो मैंने सबसे पहले यही कहा कि मैंने तो बिल पे कर दिया हुआ है, तो इन्होंने कहा कि नहीं सर आपने बिल पेमेंट कर दिया होगा बट वो अपडेट नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला फिर क्या करना पड़ेगा, तो बोले कि आपको बिल अपडेट करने के लिए जो प्रोसेसिंग फी है वो जमा करनी पड़ेगी, तो वो आपको अपने फ़ोन से ही करनी है, आपको हमें कैश नहीं, आप अपने फ़ोन से अभी कर सकते हैं। तो मैंने बोला कैसे करेंगे, तो इन्होंने सबसे पहले आपको क्या करेंगे दोस्तों कि कुछ दो तीन ऐप्स हैं जो स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स होती हैं, जिसपे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं इन ऐप्स की वजह से। तो मैं ऑलरेडी क्विक सपोर्ट या एनी डेस्क ऐप पे वीडियो बना चुका हूँ, तो वो आपको कहेंगे कि आपको पहले सर स्क्रीन शेयरिंग ऐप, ये तीन ऐप हैं, वो कोई भी ऐप बताएंगे, चाहे एनी डेस्क बताएंगे, चाहे क्विक सपोर्ट बताएंगे, तो बोलेंगे कि सर आप अपने फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कीजिए, प्ले स्टोर खोलिए, मुझे फ़ोन पे ही रखिए, मैं साथ साथ आपको बताता जाता हूँ। तो पहले आप जैसे ये ऐप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद एक कोड आता है, वो बोलेंगे सर आप ये कोड हमें सेंड कर दीजिए। तो आप जैसे ही वो कोड उनको सेंड करोगे तो आपके फ़ोन की जो स्क्रीन है वो शेयर हो जाएगी, यानी कि आप अपने फ़ोन पे जो कुछ भी उसके बाद यूज़ करोगे वो अपने फ़ोन पे आराम से देखता रहेगा। उसके बाद वो कहेगा कि सर आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है 1 रुपये से 10 रुपये तक आप कुछ अमाउंट भी प्रोसेसिंग फ़ीस जमा कर देती है, जिसकी वजह से क्या आपका आज रात को ये पावर सप्लाई नहीं कट होगी, तो आप कल जाके बिल अपना अपडेट करवा लेना या फिर जमा करवा देना अगर बिल पेमेंट नहीं हुई है। तो जैसे ही आप अपना नेट बैंकिंग या गूगल पे खोलते हैं उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे, और वो जो दूसरा फ्रॉडस्टर बैठा हुआ है वो भी उसके ऑलरेडी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो वो अपने पास देख रहा होगा कि आपने आईडी क्या डाली है, पासवर्ड क्या डाला है, तो वो भी साथ के साथ दूसरे फ़ोन पे आप आईडी पासवर्ड डाल देगा। जैसे ही आप कोई पेमेंट करेंगे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी देख के आप चाहे 10 रुपये की पेमेंट करेंगे बट वो आपका पूरा अकाउंट खाली कर देगा। तो इसलिए दोस्तों गलती से भी किसी भी ऐसे मैसेज का रिस्पॉन्ड ना करें जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर एलपीजी सिलेंडर के लिए कोई भी ऐसा, या फिर कोई भी थर्ड बिल जो भी, मतलब कोई भी ऐसा आपके पास कॉल या मैसेज आता है कि जो कहता है कि आपका ये सेवा बंद कर दी जाएगी या आपका ये ड्यू है इसको पेमेंट कीजिए, और आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने के लिए कहता है, तो उसको कभी भी इंस्टॉल ना करें।
जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो आप डायरेक्टली जो आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके टाउन का जो भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है वहां पे जाके कांटेक्ट कीजिए और उनसे पता कीजिए कि क्या है सच्चाई। तो ऐसे जो भी फोन पे आपके पास कुछ भी आ रहा है कि कभी आपके बैंक से आ जाता है मैसेज कि आपका केवाईसी अपडेट नहीं है, या पेटीएम से आ जाता है कि पेटीएम का अकाउंट बंद हो जाएगा, केवाईसी अपडेट नहीं है, तो उनपे कभी भी आप कॉल ना कीजिए। और खासकर इस तरह के मैसेज जिसमें एक नंबर से मैसेज आए और दूसरा नंबर दिया हो कि इस पे आप कॉल करो और उसमें करें, तो इस तरह से आप किसी भी नंबर पे कॉल ना करें, नहीं तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी, आप अगर मेरी पिछली क्विक सपोर्ट ऐप्स के बारे में वीडियोस देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का 1.5-1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए तक इस ऐप्स की वजह से जा चुके हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी मैसेज का रिस्पॉन्ड ना करें और किसी के कहने पर अपने फोन में कोई भी थर्ड पार्टी ऐप को ना डाउनलोड करें। कभी भी ऐसा अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आप पक्का इन नंबर्स को ब्लॉक करें और स्पैम रिपोर्ट जरूर कर दें और इनकी कंप्लेन जरूर करें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब अपने साथ फ्रॉड हो गया उसके बाद कंप्लेन नहीं करते हैं, जिससे इन लोगों को और शायद मिलती है और ये सेम नंबर को यूज करते रहते हैं काफी लंबे टाइम तक और फ्रॉड करते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।